हाय गाइस, वेलकम टू द पाकिस्तानी फैमिली एंटरटेनमेंट। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम है और मेरा नाम है वजाहत। तो भाई साहब, फिर से तकदीर वाला का वीडियो लेकर हम लोग आ चुके हैं। इस बार इसमें होने जा रही है शक्ति कपूर जी की भी एंट्री, क्योंकि बाकी सब लोगों ने कहा कि इसमें शक्ति कपूर भी है और इसके अंदर फनी हो रही है। यार देखो, तुम लोग इसकी रिक्वेस्ट कर रहे हो, समझ आ रहा है कि इसके फनी सीन बहुत ज्यादा है, लेकिन टू बी ऑनेस्ट अंदर से दिल हमारा भी ललचा रहा है कि इसमें हम रिएक्शन करें, क्योंकि भाई ये मूवी इतने मजे की है और सब लेकर आएंगे, आप टेंशन नहीं लीजिए। हाँ, तो जल्दी से पहले वॉच कर लेते हैं इसका ये सीन। तो कौन करते हैं थ्री टू वन एंड स्टार्ट। अरे ये तो वही दास है। हाँ, ओए यमराज जी, ये गला फाड़ फाड़ के हंसने का कारण क्या है? मुझे लगता है अभी ऊपर है। क्या बताऊं प्रभु, एक बालिका ने आज बड़े ही विचित्र ढंग से पाप किया है। उसने एक स्वर्णकार से हीरो का हार भी ले लिया और उसे पागलखाने भी भिजवा दिया। चित्रगुप्त, ये क्या है? इतने पैसे खाते? क्या भूलोक में पापियों की संख्या बढ़ती जा रही है? वो तो है ही प्रभु, किंतु इनमें एक विशेषता है, ये केवल एक ही मानव के पापों के बही खाते हैं। क्या? एक मानव और इतने पाप? हाँ प्रभु। कौन है वो भाई? छीने झपटी, लूटपाट, अत्याचार, भ्रष्टाचार, बलात्कार, ऐसा कोई पाप नहीं जो इस मानव ने न किया। कौन है वो दुष्ट पापी नीच मानव? उसका शुभ नाम छोटा रावण है। छोटा रावण? छोटा रावण हम है, छोटा रावण। शक्ति कपूर जी की बातें ऊपर भी चल रही है। देखो बूढ़े, इस हार का इतिहास जानते हो? नहीं जानते तो कान का सैटेलाइट खोल कर सुनो। इस हार जन्नुम है, नरक है, और हम है इस हार का यमराज। ये आपके कारनामे ऊपर भी लिखे जा रहे हैं। कब मारना है ये हम डिसाइड करूंगा। रावण बना हुआ को डिसाइड किया? नहीं नहीं, मुझे मत मारो भगवान के लिए, मुझे मत मारो। अगर तेरे को नहीं मरने का है तो ई बगल की थैली हमारे हाथ में थमा दे। इसमें है क्या है? ये तो नहीं दे सकता, ये मैंने अपने बच्चे की शादी के लिए। ओ, पैसा पैसा हो गया। छोटा रावण कैसे कहा मानो? इस साला बुड्ढा टाइम बहुत खा रहा है, इका लुड़काई दियो। लुड़काई दियो तो खून जब बाहर निकलता है तो हमका चक्कर आता है। हम जब मुंडी उधर घुमाई ले तब तय लोग ई का लुड़काई ले। ओ भाई, कह रही तो छोरा मां, ये है भी लंबे सांप के मुंडी घुमाई दे ले भाई। मैं बस और शहर वालों के सामने मारा। हम तो तोरे हुक्म के गुलाम हैं, तुम हमसे ऐसा काम क्यों करवाते हो? अच्छा, वो करवाते हैं। रावण भैया, बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या बाजार है? ये काम चेन बैच का लगता है। चेन बैच कॉन्ट्रैक्ट कितने का डिसाइड हुआ? 25,000 रुपए का भैया। अच्छा, 25,000 का? अबे ये क्या बे, एक तरफ औरतें एक तरफ मर्द। हाँ, ओ रवीना टंडन जी। ए छोटे, छोटे हमारे बैच से लेगी पंगा, कर दूंगा बहुत बड़ा दंगा। हमारे चेन बैच के आएगा आड़े तो दांत तोड़ दूंगी सारे। सराफत से वो नेकलेस हमारे हवाले कर दे। नेकलेस? कौन सा नेकलेस? देखा देखा रावण भाई जी, दिन दहाड़ा आंखों में धूल झोंक रही है, बोल रही कौन सा नेकलेस? अरे ये तो कुछ नहीं है भाई जी, पागलों के डॉक्टर के पास ले गई और दो दो पागलों के ऊपर इन दोनों की बातें चल रही हैं। चल नेकलेस निकाल। सेठ जी ने कितना देने का वादा किया है? 25,000। मैं 75 दूंगी। समझ गया, पार्टी के दो गुना ज्यादा। जी रावण भाई जी, इधर आ बे। दो गुना ज्यादा आपने मुझे बेका। मुझ पर हाथ उठाया, 75,000 मिल रहा है। लड़की तेरे को अपनी बेटी जैसी नहीं लगती? मेरी कोई बेटी नहीं है। तेरे पड़ोसी की बेटी जैसी नहीं लगती? मुझे नहीं मालूम। नहीं मालूम साले, एक लड़की को 420 कहता है। अबे ये तो उल्टा इसको ही कहने लगती। भगवान, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? आप तो खड़े खड़े बदल गए। मैं इसकी शिकायत जब लेकर आया था कि इस लड़की ने मेरे साथ चीटिंग की है, तब आप ही नहीं आ गए।
मैंने तेरे साथ चीटिंग की। ले भाई उसने भी मार दिया। ये क्या हो रहा है भगवान, ये क्या हो रहा है? साले एक शरीफ लड़की को बदनाम करता है। अबे 75 थप्पड़े पड़ेंगे। अच्छा बता, क्या ये लड़की तेरे को धोखेबाज लगती है? नहीं नहीं, ये लड़की तो मदर टेरेसा की बेटी लगती है, भक्त शबरी की पोती लगती है। तो फिर ऐसा क्यों बोला कि इस लड़की ने तेरी दुकान से हार चुराया? वो क्या है ना, आजकल मेरा दिमाग यहाँ से फिसल कर घुटनों पर आ गया है। मेरी कोई गहनों की दुकान नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। आजकल मुझे पागल बनकर दौड़ने पड़ते हैं, इसीलिए तो मैंने आप जैसे महान शांति दूत की मदद मांगी। धन्य है वो माता जिसने आप जैसे रावण को पैदा किया। नहीं रावण भाई जी, मुझे माफ करना, मैंने आपका वक्त बर्बाद किया। माफ करना रावण बहनी, ये जो मुझे लगता है तन से यूं कर रही, जोड़ रही। चल पैसा निकाल। अबे ये कहीं 75 पैसे तो नहीं है? 75 पैसा तेरी सूरत के लिए ये इच ठीक है? ले बेचारी की तिल्ली की तरह जला दूंगा। ओ नहीं, ये तो लड़ पड़े ना। ओ हो, अबे सारी लड़कियां मिल गई है भाई। अबे तो लड़कियां पी रही हैं इनको। भाई चैन ब्लॉक का ज्यादा पावर है। हां इंस्पेक्टर रंजीत आ रहा है, इंस्पेक्टर रंजीत। फिर आप उन बाद में डिसाइड करेगा, छोड़ दे इंस्पेक्टर रंजीत। तभी कौन है मुझे तो बड़ा। लगता है चेन बैच और हॉकी बैच के बीच अभी अभी यहाँ लड़ाई हुई है। आपको आता देखकर वो लोग यहाँ से भाग गए। पावर इतनी है। शहर में शांति और नागरिकों की हिफाजत करना मेरा फर्ज है, यही मेरी ड्यूटी, यही मेरी ड्यूटी और यही मुझ पर मेरी वर्दी का कर्ज है। मैं दादाओं का दादा और गुंडों का गुंडा हूँ। ये संसार मेरी धरती और मैं इसका झंडा। साइलेंस। इन गुंडों का पता चले तो मुझे फोन कर देना, फिर ये मेरा काम है किसको लटकाऊं, किसको अंदर कर देना। ये इंस्पेक्टर रंजीत कह रहा है जो 24 घंटे आपकी सेवा में जी रहा है। आधी रात को बुलाना, सुबह तक जरूर आऊंगा। शहर में शांति और नागरिकों की सेवा करना मेरा फर्ज है। वाह। ओके, टेक केयर, थैंक यू, गुड नाइट, बाय बाय। ये अपना नाम बना के क्या है? अबे होती बेज और भाई चेन बेज की क्या लड़ाई हुई है गंदी पे। अबे उससे पहले भाई पार्टी कैसे बदली हो यार श्रुति कपूर ने? तो भाई वो 25,000 मिल रहा था, जब दो गुना ज्यादा 75,000 मिलेगा तो पार्टी चेंज नहीं करेगा। अबे भाई उधर ही जगह पे बोला है ना कि वो कहती है तुझे इससे कितने पैसे दिए? 25 तो मैं 75 दूंगी भाई। वैसे उसको चपेड़े मार मार के उसका कीमा बना दिया। बुलाता है अबे इधर आ, तूने मुझे अबे बोला। कहता तो और क्या बोलूं तुझे फटाक। ओ भाई क्या गंदी उसको मारी है। एंड में क्या वो एंड में ना मुझे वो पॉइंट उसका अच्छा बड़ा सुनियारे का लग गई। कहता है यार वो महान माँ जैसे आप जैसे रावण का पैदा किया। और वो यूं जोड़ रहा था ना तन से। शक्ति कपूर भी आगे से हैरान हुई कि ऐसे क्या बोले थे, मेरी तारीफ किए। अबे बड़ा गंदा पॉइंट मारा। अबे तो उसको थप्पड़ भी कितने मारे हैं यार। वो बेचारे 25,000 पहले तो उसने डील की थी ना, लेकिन अब ये पलट गया था। वही ना, उधर से भाई वो भी उसको 75 पैसे दे रही है। तब तो शक्ति कपूर ने कपूर और ये में भिड़। लेकिन भाई लड़कियां अभी थी देखा तो जो पहला गिरा सब लड़कियां पकड़ गए। शक्ति कपूर को बहुत गंदा मतलब मारा, लेकिन शक्ति कपूर ने फिर उनको भी 2-3 लातें मारी हैं। लेकिन पीछे से जब वो पुलिस वाला आता ही भाई, लेकिन भाई जब आता है तो कहता है टेंशन नहीं लेनी, मैं यहाँ का सारा हूँ, मैं यहाँ का राजा हूँ, मैं सबको बचाऊंगा। आधी रात को कॉल करोगे तो सुबह तक तो जरूर आऊंगा। अबे आधी रात को बुला तो उसी वक्त बोल मैं 5 मिनट में आऊंगा। ओ भाई, लेकिन भाई साहब अभी जो है ना यमराज लोग ऊपर हैं देख, और वो ये बंदा है कि जो हर चीज ये करता है। वो इनके काले चट्टे वो लेख भी रहे। हाँ,
लेकिन लगता तो नहीं कि इतना साग वेलन है, जैसे कहता है उस बंदे को मारी तो लेकिन हमको खून अच्छा नहीं लगे तो हम मुंह घुमाए तो बड़ी अच्छी लैंग्वेज है यार, बड़ा मजा। और शक्ति कपूर खास तौर पे बड़ी एक्टिंग मस्त करते हैं कसम से बे यार, तो कैसा लगा आपको ये सीन इधर भिड़वा तुम कहते तो बाय।